मिस मू कमांडर जू का पीछा कर ही रही होती है जब वो गायब हो जाते हैं। फैंग पैन को बताता है कि उसने मिस हैन से इंगेजमेंट तोड़ दी है क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। वैन बेचारी का दिल जुड़ने से पहले ही फिर टूट जाता है। लॉर्ड हैन को रिश्ता टूटने की खबर सुनकर बहुत गु़स्सा आता है। लॉर्ड गू के मर्डर से सारी अथॉरिटीज़ हिल चुकी थी। केस मास्टर वैंग के अंडर सॉल्व होने को आता है। लॉर्ड हैन गवर्नर फैंग को उनकी बेटी का दिल दुखाने के लिए बदला लेने को बोलते हैं। बाद में वो कमांडर गू को मारने के लिए ऑर्डर देते हैं, जो उन्हें मारने ही वाला था कि लीजिन बीच में आ जाता है। जब कमांडर गू के आदमी आते हैं तो उन दोनों को ही वहाँ से भागना पड़ता है। कमांडर जू को दूसरी तरफ से मिस मू घेर लेती है। वो दोनों मिलकर कमांडर जू के अगेंस्ट फाइट करते हैं। तभी लॉर्ड हैन अपने सैनिकों को लेकर आते हैं और उन पर तीर बरसाने लगते हैं, जिसमें कमांडर जू की मौत हो जाती है। मिस मू घायल थी। लीजिन उसे वहाँ से पहले निकाल देता है। लीजिन भागते भागते जंगल में आ जाता है, जहाँ उसे उसके टीचर मिलते हैं जो सैनिकों को गुमराह करने में उसकी मदद करते हैं। दूसरी तरफ मिस मू की भागने में मदद लॉर्ड ल्यू करते हैं। वो वहाँ से भागकर युंगशंग एकेडमी आ जाती है, जहाँ उसे वैन मिलती है। वो उसे घायल देखकर एक स्टोर रूम में छिपा देती है। लीजिन भी एकेडमी आता है तो यू और फैंग उसे छुपाकर कमरे में ले जाते हैं। लॉर्ड हैन एकेडमी में अपने आदमियों को लेकर जबरदस्ती घुस जाता है और वो बच्चों के कपड़े उतरवाकर उनकी तलाशी ले रहा होता है। वैन मदद के लिए शेंगजी को बुलाती है, जो सैनिकों को वहाँ तलाशी लेने से रोकता है। फिर वो मिस मू का ख्याल खुद रखने को बोलता है। वैन अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ लीजिन को उन दोनों ने दवा लगा दी थी। तभी बाहर से सैनिक आ जाते हैं। मिस्टर ल्यूई और मिस्टर ली उन्हें अंदर आने से रोकते हैं, पर लास्ट में फैंग कमरे से बाहर निकलकर कबूल करता है कि वही मास्क वाला डिस्ट्रीब्यूटर है। लॉर्ड हैन उसे जेल में बंद करवाने को बोलते हैं। अगले दिन जब लीजिन को होश आता है तो वो बताता है कि ये सब लॉर्ड हैन का ही किया धरा है, उसने कोई भी मर्डर नहीं किया था। उधर मिस मू को भी होश आता है, जिसकी केस शेंगजी कर रहा था। वो मिस मू से पूछता है कि क्या कभी उसने उसे प्यार भी किया, या वो केवल अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए उसके करीब आई थी। मिस मू कहती है कि जब तक वो उसके साथ थी, उसकी फीलिंग्स सच्ची थी। प्रिंसिपल फैंग और सारे स्टूडेंट इस अत्याचार के खिलाफ यूनाइट हो जाते हैं और प्रूफ इकट्ठा करने लगते हैं कि फैंग निर्दोष है। उनमें से एक स्टूडेंट के दादाजी लॉर्ड मो होते हैं, जो एक बहुत बड़े मिनिस्टर थे। वो उनकी मदद मांगने के लिए बोलता है। गवर्नर फैंग क्लेम करते हैं कि फ्लायर्स में उनका भी नाम लिखा हुआ है, तो उनका बेटा ऐसा क्यों करेगा। लॉर्ड हैन कहते हैं ताकि किसी को उन पर शक ना हो। लास्ट में गवर्नर फैंग एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने ब्राइब ली है, लेकिन वो मामले की तह तक जाने को बोलते हैं। लॉर्ड मो वहाँ आकर लॉर्ड हैन से सारी इंचार्ज को मास्टर फैंग को दे देते हैं। वैंग से और बर्दाश्त नहीं होता कि फैंग और उसके पिता जेल में है, तो वो उन्हें बचाने के लिए खुद को गिल्टी बताती है ताकि वो उन्हें छोड़ दे। पर लॉर्ड हैन उसे भी गिरफ्तार कर देते हैं, ये बोलकर कि ये भी उन पे शामिल है। लीजिन अपने पिता से मिलने जाता है। जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पिता उसके बड़े भाई को भूले नहीं थे, बल्कि इतने सालों से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। फिर लॉर्ड लुई उसे कमरे में बंद कर देते हैं ताकि वो इन सब से दूर रहे, और कमांडर गू के पास जाते हैं और पूछते हैं क्या उस हमलावर के हाथ पे कोई निशान था, जो कि दरअसल में था। वो समझ जाते हैं कि किलर कमांडर जू ही थे और ये सब लॉर्ड हैन का ही काम है। मास्टर वैंग को नहीं लगता था कि फैंग गुनहगार है, क्योंकि उस पर कोई इंजरीज नहीं थी, इसलिए वो उसको रिलीज़ कर देते हैं। ऊपर से वो वैन को इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके पास लाने को बोलते हैं। लीजिन अपने दोस्तों की मदद करना चाहता था, तो लॉर्ड लुई उसे जाने देते हैं। लॉर्ड हैन वैन को रास्ते में ही मार डालने का ऑर्डर देता है। वैन के ट्रूप पर हमला होता है। मिस मू सही समय में आकर उसे बचा लेती है। वैन उसे अपनी वजह से उसकी ज़िंदगी दाव पर ना लगाने को बोलती है, पर वो रुकने के लिए इंसिस्ट करती है। तब वैन को बताना ही पड़ता है कि वो एक वुमेन है। तभी सैनिक पीछे से अटैक करता है और मिस मू को बचाने के लिए वैन घायल हो जाती है।
वहाँ पर शेंगजी और फेंग उनकी मदद के लिए पहुँच जाते हैं। शेंगजी को देखकर सारे सैनिक पीछे हट जाते हैं। दूसरी तरफ लीजिन और यू भी उन्हें ढूंढते हैं। फेंग वैन को एक सेफ जगह पर ले आता है और उसकी चोट पर पट्टी लगाता है। जब वैन को होश आता है तो फेंग बताता है कि उसे पहले से ही पता चल गया था कि वो एक लड़की है। मिस्टर डिंग मास्टर वैन को बताते हैं कि वैन जुई डिंग कुन का बेटा है। उसे मास्टर वैन के पास लाया जाता है। लीजिन एडमिट करता है कि फ्लायर्स उसी ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। मास्टर वैंग बताते हैं कि जुई डुंगकुन एक अच्छा आदमी था जो आम लोगों के बारे में सोचा करता था और उनकी मदद किया करता था, पर उसके अच्छे कर्मों के चलते वो कई करप्ट ऑफिशियल की आंखों का काटा हो चुका था। उन्होंने औरतों को पढ़ाने की अपील भी की थी जिसको किसी ने बदल दिया था, और ऐसा लगा था कि जैसे वो देशद्रोही है जिसके चलते उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया था। मास्टर वैंग उन चारों को इस केस को सॉल्व करने के लिए बोलते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर इम्पीरियल एग्जाम। फेंग अपने पिता के पास मदद के लिए जाता है, जो बताते हैं कि जुई डिंगकुन को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर उन्होंने कभी दिया ही नहीं था, बल्कि लॉर्ड हैन ने उनके फर्जी साइन करके ये किया था। लीजिन किंग शिज्यून को ढूंढकर मास्टर वैंग के पास पेश करता है, जो एडमिट करता है कि उसी ने अपील चेंज की थी। यू और फेंग मिस्टर हैन के घर से बैंड बुक लेकर आता है और बोलते हैं कि अगर ये बुक्स बैन है तो मिस्टर हैन के घर में क्या कर रही हैं। मिस मू भी अपनी गवाही देती है कमांडर जू को देखने की। सारे सबूत आखिर में प्रूफ कर देते हैं कि लॉर्ड हैन ही गिल्टी है। जू डिंगकुन का नाम साफ हो जाता है और गवर्नर फेंग को रिलीज कर दिया जाता है। वैन कमरे में वापस लौटती है जहां उसके दोस्त उसका स्वागत गले लगकर करते हैं। मिस मू शेंगजी को जाकर सहारा देती है, जो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। लीजिन अपनी हेयर पिन निकालता है तो यू उससे छीनकर बोलता है, ये तुमने अभी तक संभाल कर रखी है। वैन भी वहां आ जाती है और थोड़ी सी नोकझोंक के बाद उसे लगता है कि यू को कोई लड़की पसंद आई है जिसके लिए उसने वो हेयर पिन खरीदी है। लीजिन को फेंग से जलन होने लगती है तो यू उसे फ्लो के साथ चलने को बोलता है। अगले दिन फैन लड़कियों के कपड़े पहनकर फेंग के पास आती है, जिसे फेंग पहचान नहीं पाता और इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है कि वो अपना चेहरा दिखाती है। फिर वो दोनों डेट पर जाते हैं। रात को फेंग उसे वेल बिहेव होने के लिए रिवॉर्ड मांगता है तो वो उसे चीक्स पर किस करती है। फिर वो दोनों अपने आप में मशरूफ हो जाते हैं, जिन्हें बाहर से लीजिन देख रहा होता है। उसका दिल तो टूटा था, पर वो उन दोनों की खुशी के लिए ही कुर्बानी देने को तैयार था। आगे वैन फेंग और लीजिन ग्रेजुएट हो जाते हैं। प्रिंसिपल फेंग को इम्पीरियल कोर्ट ज्वाइन करने का मौका मिलता है, लेकिन वो मना कर देते हैं ये कहकर कि वो बूढ़े हो चुके हैं और उनकी खुशी इन बच्चों के साथ ही है। मिस्टर डिंग को दोबारा इम्पीरियल कोर्ट ज्वाइन करना था, इसलिए अब से वो अकेडमी में और नहीं पढ़ाते। फेंग को स्टेट गवर्नर ऑफिस ज्वाइन करने का मौका मिलता है। वैन लीजिन को उसको आज तक प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक्स बोलती है। लीजिन कहता है कि वो हमेशा उसकी फैमिली रहेगा और अगर कभी भी फेंग उसे परेशान करे तो वो उसके पास आ सकती है। आगे चारों दोस्त मिलकर अपने ग्रेजुएट होने की पार्टी करते हैं। लीजिन के मुँह से छूट जाता है कि वैन को ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक लड़की है। यू भी बोलता है कि उसने आज तक उसकी पहचान छिपाने के लिए ना जाने कितने एफर्ट्स डाले हैं। वैन शॉक थी ये जानकर कि उन दोनों को पहले से ही सच्चाई पता थी। वो जानना चाहती थी कि उन्हें ये कैसा पता चला, तो वो दोनों ड्रंक होने का नाटक करते हैं। अब एक साल बीत जाता है। वैन बीन अपनी मेहनत के बलबूते पर एक अच्छा ऑफिसर बन जाता है। मास्टर वैंग की उसकी मुलाकात पर वो कमेंट करते हैं कि वैन बीन काफ़ी चेंज हो चुका है, जिस पर मिस्टर डिंग उन्हें ये बात छिपाने के लिए माफ़ी मांगते हैं कि मास्टर वैंग को ऑलरेडी पता थी कि स्कूल में पढ़ने वाली वैंग शी थी और ये वैन बीन है। वो बस मुस्कुराते हैं। अब से औरतों को भी स्कूल में पढ़ना अलाउड होता है। फेंग एक गवर्नर बन चुका था, जो मिस चॉय की लाइब्रेरी में आता है। वहाँ मिस हैन भी आती है, जो वेंशी की असली आइडेंटिटी जानकर खुश होती है और उन्हें अपनी विशेष देती है।
लीजिन और यू साथ में एक नए सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं और फाइनली फेंग और वैन सभी पड़ों की सहमति से शादी कर लेते हैं और हमेशा खुशी से साथ रहते हैं और यहीं पे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये ड्रामा? ऐसे ही दिलचस्प ड्रामों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस ड्रामे का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं।